नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। मतलब समझो बच्चे इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, मान लो बर्तनों की संख्या x है तो निर्माण की लागत कितनी है, x का दुगना 2x और उससे तीन अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए हम इसे करके देखते हैं। मान लो बर्तनों की संख्या है बराबर x, तो प्रति नग, तो प्रत्येक नग की लागत एक नग मतलब एक बर्तन, बर्तन की लागत कितनी होगी, देखिए उस प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक है। बर्तनों की संख्या है x, इसका दुगना हो गया 2x, इससे तीन अधिक है यानी प्लस तीन है। ठीक है बच्चों, बर्तनों की लागत संख्या है x, प्रत्येक नग की लागत होगी बर्तनों की संख्या के दुगना प्लस तीन, इतने रुपए। अब मान लो एक बर्तन 10 रुपए का है और हमने 5 बर्तन लिए तो कुल कितने पैसे मिलेंगे, 10 गुना 5। इसी प्रकार से यदि x बर्तन लिए और एक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3, तो कुल रुपए कितने होंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी कि एक बर्तन जितने का है गुना कितने बर्तन बने, इन दोनों को गुना करके आएगा जितने उस दिन का लागत है और वो लागत हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 90 रुपए। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। देखो बर्तनों की संख्या हमने ली x, एक नग की लागत है बर्तनों की संख्या के दुगना, x का दुगना 2x, उससे तीन अधिक यानी प्लस थ्री। अब बर्तन है x, एक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3, तो x बर्तनों की कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3 गुना x, और वो जो लागत है वो आती है 90 रुपए। अब हम इसे हल करेंगे। ये जो x है ये 2x से भी गुना होगा और 3 से भी गुना होगा, तो x जब 2x से गुना होगा तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x जब 3 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 3x। इधर देखेंगे तो ये 90 है, जब ये बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0। आइए अब इसे आगे हल करते हैं। यह है x इंटू 2x 2x² प्लस 3 गुना x 3x, 90 इधर प्लस हो रहा था उधर आके हो गया माइनस, ये हमारे पास समीकरण आ गई 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए हमें पता है एक्स स्क्वेयर के गुणांक को बिना x वाली रकम से गुना करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 2 गुना -90 और इसका उत्तर आएगा -180। अब हम -180 के फैक्टर देखेंगे, किसके पहाड़े में -180 आता है, 1 गुना 180, 2 गुना 90, 3 गुना 60, 4 गुना 45, 5 गुना, 5 × 15 और 6, 5 गुना 36। इसी प्रकार से 6 गुना 30 और 8 के पहाड़े में ये नहीं जाएगा, 9 के पहाड़े में चला जाएगा, 9 गुना 20 और इसी प्रकार से 10 के पहाड़े में चला जाएगा, 10 गुना 18, 11 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 12 के पहाड़े में चला जाएगा, 12 गुना 15 और किसी पहाड़े में ये नहीं आएगा। अब इतने सारे जोड़ों में से हमें वो जोड़ा ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करके ये 3 आता हो। तो बच्चों मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, ये आखिर में है ये जोड़ा, इतना हम समय व्यर्थ करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और इनमें कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिनको आपस में प्लस या माइनस करके 3 आता हो, सिर्फ यही एक जोड़ा है। इसका मतलब ये जोड़े हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक ये जोड़ा लेंगे 12 और 15 वाला।
आइए करते हैं। पहली रकम को ऐसे ही लिखेंगे, आखिरी रकम सॉरी ये -90 है, इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। इस 3x की जगह हम ये वाला जोड़ा लिखेंगे, दोनों के साथ लगा देंगे x, 12x और 15x। अभी इनके साथ निशान लगाना है, निशान के लिए वापिस यहाँ आ जाओ। ये था -180, इस माइनस का मतलब है इन दोनों के निशान एक दूसरे से उल्टे होंगे, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस। अब कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, उसके लिए हम जाएंगे यहां पर, 3 के साथ है प्लस का निशान, यानी इन दोनों में से बड़ी के साथ लगा दो प्लस का निशान। 15 बड़ा है उसके साथ प्लस, 12 छोटा है उसके साथ उल्टा निशान, यानी कि माइनस का निशान आ जाएगा। अब इनमें से पहले दोनों को हम अलग जोड़ा और आखिरी दोनों को हम अलग जोड़ा मानेंगे। अब देखिए क्या होता है, 2x² और 12x में से 2x हम कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर चला गया, x² में से x बाहर चला गया, बाकी रह गया x, माइनस 12 को 6 2 से भाग कर दिया, आ गया 6, x बाहर चला गया। इसी प्रकार से 15x और 90, ये दोनों 15 के पहाड़े में आते हैं, तो 15 कॉमन, 15 बाहर चला गया तो बाकी बच गया x, माइनस 90 को 15 से भाग कर दिया तो बाकी आ गया 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखें, यहाँ भी x माइनस 6 है और यहाँ भी x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 कॉमन, इसमें से x माइनस 6 बाहर आ गया, बाकी कितना बच गया 2x, और इस रकम में से x माइनस 6 बाहर चला गया तो बाकी कितना बच गया प्लस 15, और ये किसके बराबर है, बराबर 0 के बराबर है। अब बच्चों ध्यान से सोचने वाली बात है, यदि दो ब्रैकेट्स आपस में गुना होकर 0 बनाती हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट 0 के बराबर होगी, या x माइनस 6 0 के बराबर होगा, या 2x प्लस 15 0 के बराबर होगा। यहां से 6 इधर x के साथ माइनस हो रहा है, जब ये बराबर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6। इधर देखेंगे तो 2x बराबर 15 यहां इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -15। x बराबर -15, 2 इधर x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग। इसका अर्थ यह है कि x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है 6 और एक है -15/2। लेकिन x है क्या, x है बर्तनों की संख्या, लेकिन बर्तनों की संख्या तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस वाली नहीं हो सकती। इसका मतलब x बराबर -15/2 हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है, वो है 6। अब हम इसे ही लेकर अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अब बर्तनों की संख्या कितनी है, x, बर्तनों की संख्या ये बराबर है x के, और x किसके बराबर अभी हमने लिया है 6, x किसके बराबर अभी हमने लिया है 6, और दूसरा हमने निकालना है प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत हमारे पास थी 2x+3, तो हम यहां लिखेंगे 2x+3, यानी कि 2 × x, x कितना लिया है हमने 6 प्लस 3, यानी कि आ गया 6 × 12 + 3, यानी कि 12 + 3 होता है 15। तो हमने देखा, हमें बर्तनों की संख्या निकालने को कहा गया था, तो हमने देखा कि बर्तन कितने बने उस दिन 6, और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी थी 15 रुपये, इसके साथ अब लिख देंगे रुपए, ठीक है। और इन दोनों को 6 बर्तन बने, हर बर्तन 15 रुपए का था, तो 15 × 6 = 90 रुपए की लागत आई। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 रुपए की लागत आई, अर्थात हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। बच्चों ये प्रश्न आपको जहां से भी समझ ना आया हो, वहीं से इसे पीछे जाकर दोबारा देखिएगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ आया तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को आप जब लाइक करते हैं तो उससे हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।